कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वी चेन के बारे में। वी ई टी कॉइन भी आप इसको बोल सकते हो। और वी चेन के बारे में आज जानना समझना ज़रूरी है। और क्या नेक्स्ट बुल रन के अंदर वी चेन बड़े टारगेट हिट कर सकता है। बड़े मींस इतना इनफ टारगेट हो कि हम अच्छा रिटर्न वी चेन से ले लें, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले वी चेन की अगर हम करंट सिचुएशन देखें और पीछे क्या हुआ है, अगर हम 2022 को देखें, 2022 एक रियल टेस्ट होता है क्रिप्टो का। और जो क्रिप्टो उस टाइम पे स्ट्रांग बन के बैठी रहती है मार्केट के अंदर, टिकी रहती है ना। आपने देखा कितने सारे प्रोजेक्ट फेल हुए, मतलब कितने सारे प्रोजेक्ट्स, 3AC की बात करता हूँ, वोयाजर की बात करता हूँ, सेल्सियस की बात करता हूँ, लूना क्रैश हो गई, ये सब नज़ारे कब देखने को मिले, बियर रन में। और बियर रन ही एक असली टेस्ट होता है क्रिप्टो का, उस मुश्किल टाइम के अंदर जो टिक गया है ना, जब मार्केट से पैसा निकलता है उस रन के अंदर, उसमें जो टिक गया समझ लो अगले बुल रन में उसकी फिर से बारी आने वाली है ना। और वी चेन नो डाउट, ना तो हमने 40 से ऊपर जाते देखा, रैंक की बात करता हूँ टॉप 40 में इसकी रैंक आती है, अभी 39 पे चल रही है, 31, 32 तक भी आया, 33, 34, मतलब 30 से 40 के बीच में हर नंबर पे आया रैंक में, लेकिन ना ही 30 से अंडर 30 आ पाया, ना ही 40 से बाहर जा पाया, 30 से 40 के बीच में बना हुआ। ये एक बहुत पॉजिटिव और अच्छी बात है कि बहुत सारी क्रिप्टोज की हम देखते हैं रैंक भी फिसल जाती है, जब पैसा निकलता है उन क्रिप्टोज से उनकी रैंक भी फिसल जाती है, लेकिन वी चेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक छोटा सा कॉइन है, बिल्कुल छोटा सा, 1 रुपी 50 के अराउंड इसका प्राइस चल रहा है, आप समझ रहे हो, 2 रुपये से भी वैल्यू कम है, और 20 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है। जिस तरह जनवरी मंथ से लेके आपने देखा मार्च तक, मार्च अप्रैल तक की बात करूं, CFX कॉइन कॉन्फ्लक्स है ना, 1 रुपी का कॉइन 40 रुपीज़, अभी रिसेंटली हमने आपके साथ शेयर किया था, और 3-4 महीने से तो हम कर ही रहे हैं कॉन्फ्लक्स को लेके। जब वो 1 रुपये का कॉइन 40 हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा सभी 1 रुपये 2 रुपये वाले कॉइन 40 या 100 पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनमें पोटेंशियल है उनको समझना ज़रूरी है। कॉन्फ्लक्स हुआ 1 का 40, और एजिक्स जो हम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, AI क्रिप्टो की बात करते हैं, इलॉन मस्क के ट्वीट भी आए हैं पिछले कुछ महीनों के अंदर सिंगुलैरिटी को लेके, AI को लेके, तो वो भी 2 का 54 हो गया है ना। मतलब छोटे से कॉइन थे, 1-2 रुपीज़ वाले कॉइन कहाँ पहुँच गए, 40-50 की रेंज में पहुँच गए। अगर 1-2 रुपी वाला कॉइन 40-50 की रेंज में पहुँच रहा है, तो भैया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कोई कॉइन आप खरीद रहे हो, वैल्यू 1 रुपये है, और 3-4 महीने में, ठीक है चलो 3-4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पहुँच गए, मैं 3-4 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगले बुल रन के टारगेट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। वी चेन सबकी नज़र में, अगर आप देखो टॉप 100 में तो आता है ना, लेकिन सबकी नज़र में नहीं है। टॉप 100 में आप पूरी लिस्ट देखोगे वी चेन आपको दिखेगा, लेकिन नज़र में नहीं है, क्योंकि सोया हुआ है। और जो सोए हुए कॉइन होते हैं, चाहे वो टॉप 100 के हों, टॉप 200 के हों, जो ज़्यादा नज़र में नहीं आते, जिनके अंदर, मैं ये नहीं कहता कि मार्केट कैप अच्छी नहीं है वी चेन की, बहुत अच्छी मार्केट कैप है, तभी 39 पे रैंक कर रहा है, लेकिन और भी पोटेंशियल हम देख सकते हैं इसका, टॉप 20 में भी इसकी रैंक आ सकती है अगले 1-2 साल के अंदर, क्योंकि जब किसी कॉइन का बुल रन शुरू होता है ना, तो वो एक अच्छे नंबर तक जाता है, और 20 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगा रखा है वी चेन ने, ठीक है। और ये भी नहीं है कि कोई मीम क्रिप्टो है या कोई ऐसी वैसी क्रिप्टो, नहीं, एक फंडामेंटल क्रिप्टो है, और पोटेंशियल भी है वी चेन के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा इसका रीज़न, आप छोटे से प्राइस का इसका बेनिफिट ले सकते हो, आप SIP कर सकते हो, ठीक है, वो एक सही स्ट्रेटजी है, लेकिन क्या टारगेट लेके चलें अगले बुल रन तक। अगर आप वी चेन के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, किसके ऊपर काम करता है ना, वो हम अलग से आपके साथ डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं
क्या टारगेट हो सकते हैं, और ये हमारा खुद का प्रेडिक्शन है, हमारी खुद की रिसर्च है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा लेने से पहले, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो मार्केट के अंदर, क्योंकि सिनेरियोस चेंज होते हैं हर महीने, हर साल चेंज हो जाते हैं मार्केट के अंदर, कभी कोई न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई न्यूज़। लेकिन हाँ, प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, और वी चेन को लेके जो हमको दिख रहा है उसी बेस पे जो हुआ है, उसी बेस पे हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि $1 तो बनता है। एक डॉलर की बात करता हूँ, 80 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा या उससे भी ऊपर वैल्यू हिट करके दिखा सकता है वी चेन, और ये बहुत बड़ा नंबर है। आज की डेट में 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपी की क्रिप्टो है, अगर ये 100 भी पहुँचता है, 100 भी हिट करता है अगले 2 साल में, तो अच्छा रिटर्न होगा, बहुत अच्छा रिटर्न होगा 2 साल के अंदर, नो डाउट। क्योंकि बुल रन में सब कुछ जो हो नहीं सकता, जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो हम सोच नहीं सकते, वही होता है बुल रन के अंदर, ठीक है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं वी चेन को लेके, क्या ये 1 रुपये का कॉइन 80 रुपीज़ या 100 रुपये पार कर पाएगा अगले बुल रन में या नहीं कर पाएगा, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो को करते हैं इवेंट। अगर किसी भी क्रिप्टो में आप पैसा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।